ओके सो भाई लोग के सो गाइस आज की इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग, जो कि सिनेमैटिक ट्रेंडिंग रील था वो अभी जाने वाला है सिनेमैटिक टोन। आज मैं आप लोगों को खतरनाक कलर ग्रेडिंग बताने वाला हूँ विथ ग्लिच इफेक्ट और सभी तरीके का इफेक्ट गाइस, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा थंबनेल और प्रीव्यू में। सो इस तरीके का इफेक्ट वगैरह सभी आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये सभी टोन वगैरह इफेक्ट वगैरह पूरे के पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा और वीडियो शूटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक सफ़र आज होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो इस तरीके का वीडियो को शूट करना है, मतलब आप लोगों को फ़ोन को लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, लैंडस्केप बोलते हैं घुमा देना है फ़ोन को इस तरीके से मोड में आप लोगों को शूट कर देना है। ओके जैसे वीडियो शूट करेंगे तो गाइस आप लोगों को एडिट में आ जाना है। एडिट करने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से आप लोगों को सुपर वीपीएन से कनेक्ट कर देना है। ओके सो गाइस जो भी फिल्टर वगैरह जो भी इफेक्ट वगैरह आज बताने वाला हूँ वो भी बिल्कुल नया इफेक्ट है, बड़े बड़े क्रिएटर लोग अभी इंस्टाग्राम में यूज़ करने लगे हैं ये सभी इफेक्ट को, और ये इफेक्ट जो है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं जो इफेक्ट को कलर ग्रेडिंग बताने वाला हूँ। तो आप भी ट्राई करोगे तो आप लोग वीडियोज वगैरह वायरल हो सकते हैं। और ये जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है म्यूजिक है देख सकते हो, इसके ऊपर कम ही रील्स बने हुए हैं और व्यूज़ वगैरह जो है मिलियन में चल रहे हैं। तो गाइज आप लोग इसके ऊपर रील क्रिएट करते हो काफ़ी अच्छी चांस है आप लोग का रील वगैरह वायरल हो सकते हैं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग में। ओके तो सबसे पहले अभी आप लोगों को वीपीएन वगैरह कनेक्ट करके रखना है और कैपकट को ओपन करना है, जो कि होने वाला है प्रो वर्जन। आप लोगों को ये प्रो वर्जन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम में पहुँचोगे मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो जैसे ही डाउनलोड कर लोगे फिर गाइज आप लोग क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों को कैपकट को न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट को, और आप लोगों का वीडियो फुटेज जो है उसे आप लोग सिलेक्ट कर देना है। ओके तो जैसे ही वीडियो फुटेज सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों को यहाँ से कट्स लगाने पड़ेंगे। तो गाइज 3 से 4 कट्स लगाना है आपको। सो सिंपली यहाँ से मैं यहाँ पर एक कट लगाऊँगा तो स्प्लिट करूँगा, तो फिर से थोड़ा आगे जाऊँगा फिर यहाँ पर एक स्प्लिट कर लूँगा। ओके तो इस तरीके से 3 से 4 अभी स्प्लिट आइकन क्रिएट करूँगा मैं, ताकि मैं जो इफेक्ट वगैरह लगाऊंगा ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह वो ही कट से ही क्रिएट होंगे। ओके तो अभी हम लोग ऑडियो ऐड करेंगे जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग है। तो ट्रेंडिंग ऑडियो को ऐड करने के लिए गाइस आप लोग ऐड ऑडियो ऑप्शन मिलेगा वहां पे क्लिक कर देना है। ओके सो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सो अभी मैं ट्रेंडिंग ऑडियो ऐड करूँगा तो यहाँ से ऐड ऑडियो पर क्लिक करेंगे, वायरल वीडियो पर सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो गाइज ये ऑडियो आप लोगों को वायरल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और म्यूट कर लीजिएगा जो वीडियो क्लिप है उसे आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। ओके तो जैसे ही म्यूट हो जाता है तो गाइज आप लोगों को म्यूजिक पे क्लिक करके बीट ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर चले जाना है। ओके तो जैसे ही वहाँ पर जाओगे सो सिंपली गाइज यहाँ से आप लोग बीट लगा देना है। तो जैसे ही आप लोग म्यूजिक प्ले करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पर बीट वगैरह लगाना है। ओके जो सिनेमेटिक वीडियोज क्रिएट करते हैं बीट के अनुसार और क्या बोलते हैं स्प्लिट आइकन और ट्रांजिशन वगैरह इस टाइप की ट्रेंडिंग सॉन्ग में बनता है। तो सही टाइम पे जो एनिमेशन आते हैं सही म्यूजिक के बीट के अनुसार, ताकि वीडियो बहुत ही ऑसम लगे। सो इसी तरीके से आप लोगों को भी क्रिएट कर लेना होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो मैं बीट के अनुसार स्प्लिट कर लिया हूँ और अनवांटेड वीडियो जो रह चुका है उसको आप लोग स्प्लिट करके डिलीट कर सकते हो या फिर म्यूजिक अकॉर्डिंग स्क्रॉल करके रख सकते हो। सो सिंपली यहाँ से हम लोग ये वाला वीडियो को डिलीट कर लेंगे। ओके तो ये म्यूजिक से ज़्यादा रह चुका है। सो जैसे ही डिलीट कर लोगे तो सिंपली गाइज ये वाला वीडियो जो देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करना है, कर्व पे जाना है। तो यहाँ से कस्टम ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो कस्टम में क्लिक करके पहले आप लोगों को ये जो रोप दिख रहा है इसको आप लोगों पहला वाला जो आइकन है इसे बढ़ा देना है और ये सभी को कम कर देना है। ओके तो इसी तरीके से आप लोगों का जो है स्पीड रैंप क्रिएट हो जाएगी। फिर गाइस सेकंड वीडियो में जाना है, फिर गाइस आप लोग कस्टम में जाना है, एडिट पे जाना है और यहाँ से इसको बढ़ा देना है, पहले इसको घटा देना है। ओके तो इसी तरीके से आप लोग करना है और इसे आप लोग डन कर देना है। ओके तो ऐसे ही कर लेना है। फिर गाइस हम लोग जाएंगे थर्ड वीडियो में, उसके ऊपर कस्टम पर क्लिक करेंगे। सो कस्टम पर क्लिक करके एडिट पर जाएंगे तो इसको हम लोग कम करेंगे और इसे इस सभी वीडियो पे आप लोग कर देना होगा। ओके तो इसी तरीके से हम लोग सभी वीडियो में कर लेंगे ताकि हम लोग वीडियो में स्पीड रैंपिंग चलती रहे और देखने में बहुत ही ऑसम लगे वीडियो। ओके सो ये जो वीडियो है इसे हम लोग डिलीट कर लेंगे क्योंकि ये म्यूजिक के साथ नहीं बैठ रहा है। तो जितना ही म्यूजिक के साथ है उतना ही रहेगा। तो कुछ इस तरह का आप लोग का वीडियो बन जाएगा, जैसे कि आप लोग स्पीड या स्लो बोलते हैं ना उसी तरह का वीडियो आप लोग बन के तैयार हो जाएगी। सो ऐसा कर देने के बाद गाइस आप लोगों को एनिमेशन वगैरह लगाना होगा।
जो भी मैं बता रहा था ग्लिच इफेक्ट वगैरह, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था उस तरह का इफेक्ट वगैरह एनिमेशन वगैरह लगाने के लिए गाइज आप लोगों को क्या करना है, ये जो जहाँ पे आप लोगों ने स्प्लिट कर रखा था वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, एक आइकन वहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे ढेर सारे इफेक्ट वगैरह आप लोगों को दिखने लगेंगे। ओके सो सिंपली यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है जो कि है क्या बोलते हैं स्प्लिट आइकन। ओके स्प्लिट आइकन के सहारे जो बनता है। ओके सो सिंपली यहाँ से स्प्लिट आइकन में क्लिक कर देना है, फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को स्क्रॉल करते जाना है जहाँ पे ग्लिच लिखा होगा वहाँ पे रुक जाना है। ओके ग्लिच पे क्लिक कर देना है, तो पहला जो ग्लिच इफेक्ट है देख सकते हो उसको आप लोग लगाओगे तो देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम ग्लिच इफेक्ट आप लोगों का वीडियो में आएगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और प्रीव्यू में देखा था। सो उस तरह का ग्लिच इफेक्ट यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो इसे आप लोग लगा सकते हो और ढेर सारे ग्लिच इफेक्ट वगैरह आप लोग यहाँ पे जिसे आप लोग ट्राई करके देख सकते हो कौन सा इफेक्ट आप लोगों के वीडियो में जम रहा है अच्छी लग रही है आप लोग उसी को लगा सकते हो। ओके सो सिंपली इसका लगा देने के बाद यहाँ से आप लोग डन आइकन मिलता है, डन कर लेना। तो सेकंड वाले बीट के अनुसार हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाले बीट के पास हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे भी स्प्लिट आइकन मुझे क्रिएट करना था तो अभी मैं कर लेता हूँ। सो स्प्लिट कर लूँगा, तो अभी मैं इस आइकन में क्लिक करूँगा, तो सेकेंड में अभी आप लोगों को एक और लाइट इफेक्ट लगाना है, तो सिंपली मैं लाइट इफेक्ट में जाता हूँ तो ग्लेयर करके एक इफेक्ट है इसे हम लोग ला लेते हैं। ओके तो ढेर सारे लाइट इफेक्ट आप लोग मिलेंगे, आप लोग कोई सा भी लगा लीजिएगा, तो मैं लगा लेता हूँ ग्लेयर करके इफेक्ट, इसको हम लोग लगा लेता हूँ कुछ इस तरह का लाइट इफेक्ट आएगा सिनेमेटिक तरह। सो नेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम लोग ग्लिच वगैरह बेसिक वगैरह ऐड कर सकते हो लास्ट वाला वीडियो में, तो मैं ये ब्लॉक्स वाला लगा लेता हूँ तो कुछ इस तरह का आप लोग वीडियोज में इफेक्ट वगैरह चलते रहेंगे। ओके सो आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो इसी तरह के इफेक्ट वगैरह, ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं, तो इसे आप लोग क्रिएट कर लेना और इसे आप लोग डन कर लेना। ओके तो इस तरह से कर देने के बाद गाइस आप लोग यहाँ से डन आइकन मिलता है, तो इसका ड्यूरेशन देख सकते हो, ड्यूरेशन आप लोगों को कम ज़्यादा करके देखना है कहाँ पे अच्छी लग रही है तो इसी तरीके से कर लेना। तो सिंपली बेसिक पे आप लोग देख सकते हो ढेर सारे इफेक्ट वगैरह यहाँ पर भी, तो यहाँ से आप लोग बेसिक से कोई सा भी इफेक्ट लगा लीजिएगा। ओके सो इस तरीके से करने के बाद गाइस आप लोग क्या करना होगा, वीडियो पर क्लिक कर देना है। ओके तो पहले वाला वीडियो जो मिलता है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ गाइस कलर ग्रेडिंग, जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग में ये कलर ग्रेडिंग है जो कि बड़े बड़े क्रिएटर लोग यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले एडजस्ट में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को जाना है HSL टूल में, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला येलो कलर है इसके ऊपर क्लिक करके सैचुरेशन इंक्रीज़ करना है और लुमिनस को इंक्रीज़ करना है, फिर ग्रीन पर क्लिक करके सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है, लुमिनस को हल्का सा इंक्रीज़ कर देना है। सो इस तरीके से कर देना है, फिर गाइस यहाँ पर आप लोगों को डन करना है। ओके फिर ग्रैप्स ऑप्शन मिलता है वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो गाइस ग्रैप्स में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों रेड कलर में जाना है और यहाँ पे आप लोगों एक ऊपर की ओर एक डॉट लगा देना है। ओके सो उसी डॉट को हम लोग इंक्रीज़ करके यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करेंगे। सो ग्रीन पे आप भी डॉट लगा सकते हो, आप लोगों को पहले रेड कलर को कलर गाइज करना है। ओके सो सिंपली यहाँ से देख सकते हो रेड कलर है ग्रीन कलर है, तो आप लोगों यहाँ से रेड कलर में यहाँ पे ऊपर की ओर डॉट लगाना है। सो इस तरीके से आप लोग कर देना है, देख सकते हो ऊपर की ओर चल रही है, तो ऊपर की ओर लेना है आप लोगों को ताकि आप लोगों वीडियो में कलर ग्रेड बन पाए। तो देख सकते हो ऊपर की ओर जैसे ही लेंगे हल्का सा तो आप लोगों वीडियो कुछ इस तरह से कलर ग्रेड बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ से इस तरह से कलर ग्रेड बनने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से डन कर देना होगा, तो फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को अप्लाई टू ऑल मिलता है वहाँ पर क्लिक कर देना है, सभी वीडियो में आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे अप्लाई टू ऑल हो चुका है। सो सिंपली आप लोग प्ले करके देख सकते हो कुछ आप लोगों के वीडियो में अप्लाई इसी तरह का हो चुका होगा। अभी मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को फिर से मैं इंपोर्ट करूँगा। ओके तो अभी मैं आप लोग क्या फ़िल्टर में जाना है आपको, तो जो ट्रेंडिंग फ़िल्टर आप लोग बताऊँगा सो वो फ़िल्टर आप लोग लगाना है। सिंपली आप लोगों को सीनरी ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर, सीनरी पर जाना है और सांता मून ये ऑप्शन लिख रहा होगा, प्रो इफेक्ट है ये, तो आप लोग सांता मून करके एक इफेक्ट है उसके ऊपर आप लोग जाना है, उस इफेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे इफेक्ट है, आप लोग कोई सा भी इफेक्ट ट्राई करके अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो फिल्टर वगैरह का यूज़ करके। सो अभी मैं दिखा देता हूँ गाइस जो मैं इफेक्ट बता रहा था जो अभी के वक्त में ट्रेंडिंग में चल रही है उसका नाम है सांता। ओके तो पहले तो सांता में पड़ता है, तो प्रो ऑप्शन है देख सकते हो सांता मोनिका ये वाला इफेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देख सकते हो तो कैसा लग रहा है वीडियो, बहुत ही ऑसम लग रहा है, तो इसको 20 के अराउंड रखना है आपको, फिर यहाँ से बैक जाना है और पूरे के पूरे वीडियो में रहना चाहिए
और इससे आप लोगों को बैक जाना है, फिर से फिल्टर में जाना है, फिर से उसी सीनरी ऑप्शन में जाना है। इस बार आप लोगों को लगाना है सनसेट वाला कलर ग्रेडिंग को। ओके, तो सिंपली आप लोगों को सनसेट ऑप्शन को ढूंढना है, सनसेट कहाँ पे लिखा हुआ है तो देख सकते हो, तो यहाँ पे सनसेट पार्टी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना है और इसे भी लग देना है 10 से 20 का अराउंड रखना है। ओके, तो इसे आप लोगों को डन कर देना है एडजस्ट करके। तो ये देख सकते हो, तो आप लोग वीडियो में कुछ इस तरह का सा कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। और इसमें और एक थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर ग्रेडिंग करेंगे, क्योंकि ये तो लाइट वेट लग रहा है, तो गाइस आप लोगों को हल्का सा डार्क बनाना है। सो सिंपली यहाँ से देख सकते हो, बिफोर में कुछ ऐसा था आप लोग वीडियो बिल्कुल व्हाइट सा, तो हम लोगों ने कलर ग्रेड करके गाइस हम लोगों ने कुछ इस तरह का बनाया वीडियो को। सो देख ही सकते हो, बहुत ही ऑसम लगा है। तो आप लोग भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके जाना है। आपको इस तरह का कलर ग्रेडिंग को आप लोग सिखा दिया हूँ, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को कलर ग्रेडिंग हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैक चले जाना है। ओके, तो बैक चले जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को एडजस्ट में जाना है, तो वीडियो पर ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से एडजस्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा ग्राफ्स, उसके ऊपर क्लिक करना है, व्हाइट पे सिलेक्ट कर देना है, और ये व्हाइट वाला जो जो आरो है, रोप है, इसे हल्का सा आप लोगों को लो पे करना है हल्का सा। तो ये देख सकते हो, तो इस तरह का कलर ग्रेडिंग आप लोगों को बनेगा वीडियो में। फिर गाइस इसे डन कर देना है, तो यहाँ से प्ले करके देख लेना है गाइस आप लोगों का वीडियो कैसा बना है, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लग रही है। तो वीडियो गाइस सिनेमेटिक टोन में तबाही बन चुका है, और ये कलर ग्रेडिंग आप लोगों को मैंने सिखा दिया हूँ। तो वीडियो गाइस आप लोग लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके जाना है। तो यहाँ से ऊपर में मिलता है गाइस आप लोगों को एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाया करो, और ये सभी ऑप्शन आप लोगों मिलकर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस ऐसे ही वायरलेस एटी में।